कांग्रेस द्वारा केवल भाजपाइयों को ही वाहन के परमिट देने के सवाल पर परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि विभाग के सभी के किसी विशेष व्यक्ति को परमिट अलॉट नहीं किए गए हैं। यदि किसी कांग्रेसी को प्रवेश में वाहन का परमिट चाहिए तो वे उसे भी जारी करेंगे। कांग्रेसी नेताओं द्वारा भाजपा पर अपने कार्यकर्ताओं को परमिट देने का आरोप लगाया गया था। इस आरोप पर पलटवार करते हुए प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि परिवहन विभाग ने बिना किसी कारण के किसी के परमिट नहीं रोके हैं। वहीं यदि कोई पेंडेंसी होती है तो संबंधित आरटीओ के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। परमिट जो होता है, परमिट में आवेदन रहता है, आवेदन की सुनवाई होती है, सुनवाई के बाद परमिट मिलता है। और जो हमारा सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें ये प्रोविजन है कि सबको परमिट देना है, किसी को भी हम परमिट के लिए नहीं रोक सकते। सिर्फ अगर कोई डिफाल्टर है, उसके पास बस नहीं है, कोई टेक्निकल कारण है या कोई लीगल कारण है तो ही हम परमिट के लिए रोक सकते हैं। दूसरा, हमने पूरे प्रदेश के अंदर जो परमिट है उनको अब हमने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया है। अब अगर 15 दिन के अंदर टेम्परेरी परमिट और 30 दिन के अंदर अगर स्थायी परमिट जारी नहीं होता तो संबंधित आरटीओ के विरुद्ध आप लोक सेवा गारंटी अधिनियम में कार्रवाई कर सकते हैं। और आज की डेट में किसी भी आरटीओ ऑफिस में प्रत्येक माह में स्वयं समीक्षा करता हूं और आज की डेट में किसी भी आरटीओ ऑफिस में कोई परमिट पेंडेंसी नहीं है। और कहीं पर भी अगर आरटीओ स्तर पर परमिट पेंडेंसी होगी तो आरटीओ के विरुद्ध हम तत्काल कार्रवाई करते हैं। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने किसी कांग्रेसी का परमिट नहीं रोका है। यदि किसी कांग्रेसी को परमिट चाहिए तो वे उनसे मिलें, वे उसे आधे घंटे में परमिट उपलब्ध कराएंगे। मैं समझता हूं कि कहीं भी किसी आरटीओ के यहाँ कोई बिना लीगल कारण के किसी का परमिट नहीं रोका होगा, इसलिए जो लोग भी परमिट लेना चाहें इसको कोई दल के आधार पर नहीं देते। जिसको परमिट चाहिए है, जिस कांग्रेस के नेता को परमिट चाहिए वो मेरे पास आ जाए, मैं आधे घंटे में उसको परमिट दे दूं। प्रदेश के परिवहन मंत्री ने परमिट के आवेदन आने पर विभाग द्वारा तत्काल उनका निराकरण करने की बात कही है। वहीं कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए परिवहन मंत्री ने इससे कोरी राजनीति करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।